प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत कम टाइम दिया गया और बात बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को जल्दी कहना पड़ेगा। अपनी शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने परमात्मा कृष्णा जी, बाबा नानक, मेरे माता पिता, 33,000 देवी देवता और जितने भी परी मेरे ध्यान रखते हैं, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबके समक्ष। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम इस मंच पर आई थी तो मैंने मोदी जी को ओपन चुनौती दी थी कि अगर आपको देश में तानाशाही करनी है तो पहले आप मेरे को मारो, ये मैं दे के गई थी चुनौती। तो आज मैं आप लोगों के सामने बस एक छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहती हूँ और आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात साध संगत जी, अगर आप लोग सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं अपने बच्चों को, सब करते हैं, शाबाश। अगर अब मैं ये कहूँ प्यार तो आप करते हैं लेकिन अपनी भूख तो खुद मिटानी पड़ती है ना, जितना भी प्यार करते हो अपनी भूख खुद मिटानी पड़ती है, करेक्ट। उसी तरह जब आप कोई अच्छा कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो तो उसके भागीदार आप खुद होते हो, करेक्ट। और अब जो हम गलत काम करते हैं जिनको हम पाप कहते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है जो जुल्म करना, एक होता है जुल्म सहना, एक होता है जुल्म का साथ देना। साथ हम कभी कभी ये दे देते हैं कि हम इग्नोरेंस में या हमें नहीं पता होता, और दूसरा होता है हम साथ देते हैं जानबूझ के या हम कुछ करते नहीं हैं, हमें पता है जुल्म हो रहा है और हम बैठ के तमाशा देखते हैं, वो भी जुल्म होता है। आप मानते हो इस बात को साथ संगत जी? और एक बात, जब बच्चे छोटे होते हैं और पहली बार बच्चा चोरी करता है तो क्या वो गलती बच्चे की होती है या माँ की? अगर माँ को पता है कि बच्चे ने चोरी की है तो गलती किसकी होती है, बच्चे की होती है या माँ की होती है? बच्चे की होती है। उसी तरह मुझे आज माफ़ करना, अगर मैं अपने आप को माँ बनाऊँ या बेटी बनाऊँ इस देश का, लेकिन अगर मैं आपको आपको सिर्फ सत्य बताऊँगी, थोड़ा कड़वा होगा, आप लोग नहीं सह कर पाओगे, लेकिन मैं अपना कर्म ज़रूर करूँगी आपको जो ट्रूथ है बताने के लिए। पहली बात तो हम थोड़ा सा इतिहास पे जानना चाहती हूँ कि जो भी जुल्म 1757 में होता था आज भी वही जुल्म हो रहा है। अगर पहले गोरे हमको लूटते थे, मिलिट्री बेस बना के जहाज भर भर के लेके जाते थे, पैंडमिक कोरोना जैसा करके हमारे दो देश को लूटते थे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे, आज भी वही हो रहा है, आज ज़्यादा हो रहा है। क्यों? आज इन्होंने WTO लेके आए हैं जो हमारी FDI प्राइवेटाइजेशन वगैरह हमारे को लूटमार करने के लिए। आज भी हमारी फौज में अमेरिका का पूरा मोदी जी ने सब कुछ लिख के दे दिया, अमेरिका के हाथ में कर दिया है। और कोरोना आप सबके सामने है, डिवाइड एंड रूल आज भी चल रहा है और आज ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका ने ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है संयुक्त राष्ट्र का, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका दो चीज़ें हमेशा यूज़ करती है, एक लीडर्स, लीडर्स को चुन चुन के उनको डेवलप करती है मोदी जी के जैसे, और दूसरा काम है कि कोई ऑपोजिशन नहीं होती है हमारे, हम जनता को सिर्फ एक ड्रामा दिखाया जाता है, कांग्रेस और BJP एक हैं। और आज आपको मेरे को बताना ज़रूरी है, सत्य है, अगर आप मेरे को मारोगे जो मर्जी करोगे नो परवाह, क्योंकि मैं परमात्मा का बंदा हूँ। अब तो ये मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई है देश की, अब मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताती हूँ एक शब्द में। मेरा अपने हस्बैंड के साथ 2017 से केस चल रहा है क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने इलीगल शादी की हुई है। और ये बात मैंने मोदी जी के कानों में 2017 अक्टूबर से लेके आई थी, 9 महीने मुझे लगे एक FIR दर्ज करने में। उसके बाद 2018 में कोर्ट ने, वो अंबानी अदानी जैसे है मेरे हस्बैंड, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि मुझे 20,000 रेंट मिले, 20,000 मेंटेनेंस मिलेगी और 7,000 रेंट मिलेगा। उस साल में 2017 से लेके अभी तक वो मेरे को तड़पाते रहे। 18-19 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि आई एम इज लेजिटिमेट वाइफ, मैं लीगल वाइफ हूँ और जो मेरा बच्चा है वो भी मेरा ही लीगल है। उसके बावजूद इन्होंने शादी की है, दूसरी शादी और बच्चा भी है, कंफर्म क्लियर केस है, लेकिन मैं 4 साल से धक्के खा रही हूँ। उसके बाद जब 2019 में
नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि मैं लीगल वाइफ हूँ, तो 2019 6 दिसंबर को हमारी अमरावती कोर्ट ने ये कंफर्म किया कि जो मेरे हस्बैंड का नाम मैथ्यू जोसेफ है, क्योंकि उन्होंने मेरे फर्जी सिग्नेचर किया बेल पे होने के बाद, तो उनकी बेल कैंसिल की जाए। उसके ओपन कोर्ट में ये कहा गया था, उसके बावजूद मोदी जी ने कोर्ट को खिला खुलो के रिटन ऑर्डर्स चेंज कराए। और साथ संगत जी, मैं परमात्मा सॉरी कृष्णा जी और बाबा नानक से जुड़ी हुई हूँ। पहली बार मैंने जिंदगी में, मैं उनके साथ 10 सालों से, पहली बार मैंने कृष्णा जी का और बाबा नानक जी का गुस्सा देखा था। ये 19 दिसंबर की बात है। उसके बाद 2020 में जब इन्होंने मेरे को मेंटेनेंस तक देना बंद कर दिया मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने कंटेम्प्ट केस फाइल किया। कंटेम्प्ट केस का ये ऑर्डर था कि मेरे हस्बैंड हर दिन 6% मुझे 27,000 रुपये देंगे। एक तरफ लॉकडाउन शुरू हुआ 26 मार्च 2020 से, आज तक उन्होंने एक रुपया नहीं दिया। और दूसरी तरफ मोदी जी ने मैथ्यू ने और जितने भी एल्यूमिनाटीज हैं पूरे विश्व में, प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी या जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं, सब ने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ परमात्मा की शक्ति से। और आपको ये बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हूँ। आज मेरी अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए होंगे और 1,000 रुपए होंगे, लेकिन आप लोगों को ये बताने के लिए कि परमात्मा है, मैं परमात्मा की सेवा में हूँ। अगर मेरे पास भी पैसे होंगे, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इनका जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एजेंडा है, इसका असली नाम है फेडरल वर्ल्ड गवर्नमेंट। फेडरल वर्ल्ड गवर्नमेंट। और आपको एक बात बता दूं, मेरी अपनी एक हैबिट है, मैं किसी के साथ मिलती नहीं हूं जब तक कि मैं उनको परख नहीं लेती हूं। और इसी के लिए मैं हमारे किसान जो संयुक्त यहां पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनके साथ जुड़ी नहीं। और एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले, चडूली जी ने खुद YouTube पे ये कहा है कि अब ये संयुक्त किसान मोर्चा फेडरेशन है। आप समझ रहे हो ये बात कि ये फेडरेशन है। और एक और बात बताती हूँ, मैंने बहुत टाइम से बोला हुआ है कि हमने दिल्ली में गूंज करनी है। मैं इस यहाँ पे किसान मोर्चा में मैं आ रही हूँ 26 नवंबर से, जिस दिन से शुरू हुआ था। मैंने गैप्स लिए, ज़रूर लिए, लेकिन मैं तब से कह रही हूँ कि दिल्ली जाना है, कोई नहीं उठा। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारी सरकार और जो ये फेडरेशन है, किसान यूनियन, एक है। और हम सब सिर्फ दोबारा वही कहानी रिपीट कर रहे हैं, लीडर्स एक मोदी जी की जगह हम और 40 मोदी जी तैयार कर रहे हैं अपने हाथों से। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा वार करती हूँ बोल के। तो मैंने मोदी जी को ऑलरेडी कहा है कि हम लोग अपना डिवाइन रीसेट क्विट मोदी मूवमेंट शुरू करेंगे। मैंने इसी मंच में कहा था, चारों के चारों धर्म आएंगे पार्लियामेंट में, हम गूंज करेंगे, बैठ के अपना अपने धर्म का सिमरन करेंगे। तो किसान मोर्चा ने पहले भी बोला कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, नहीं किया। अब क्योंकि मोदी जी को फर्क पड़ा है, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया, उनको पता है मैं 4 जुलाई से रोज स्टेज वन में आके बात करती हूँ और हम करेंगे। तो मोदी जी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए किसान एकता के लोगों को यूज करके ये कहा गया है कि आप लोग पार्लियामेंट में गूंज करो। तो इसी के लिए 200 लोग खड़े हो रहे हैं। मैं कदर करदा तुहाडे विचारां दी, पर ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 200 ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मैं बेनती करांगा बुलारिया नूं, इस स्टेट ते खरके इस स्टेट नूं टारगेट करना, किसान जुगत मोर्चे नूं टारगेट करना, ये तुहाडे वास्ते चंगी गल नहीं। इत्थे जिहड़ी गल करने आ, असीं हाकां वास्ते बैठे हाँ। असीं अज तक जो
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 11:30-11:30 ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀ।